हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सेल के बारे में। पूरी जानकारी लेंगे, सेल क्या होती है, उसकी वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी पूरी लेने चल रहे हैं। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, यानी कि हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। हम सेल को क्या कह सकते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा हमारी लाइफ का। तो चलिए हम आगे देखते हैं और शुरू करते हैं फिर से वीडियो को। फिर वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग देखते हैं, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी कि कोई भी छोटा बदलाव हमारे जीवन में किसी भी कामयाबी का छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला पॉइंट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। यानी कि जो हमारे जीवन में जो लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी प्राणी किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। कोई भी प्राणी किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। तो हमारे किसी भी प्राणी का फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक, देखिए बहुत सारी सेल मिला के क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू बनेगा। और बहुत सारी टिश्यू मिला के क्या बनता है, एक मसल्स बनते हैं, और मसल्स बनते हैं। और फिर बहुत सारे मसल्स मिला के क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ द लिटिल रूम इन द कॉर्क द बा ब्रेक ऑफ ट्री रिसेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ ए हनीकॉम्ब। यानी कि जो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया था, वो पहली बार सेल की खोज कैसे किए थे, एक लकड़ी के छोटे टुकड़े से। ठीक, वो किस तरीके से किए थे, लकड़ी के छोटे टुकड़े से उन्होंने क्या किया था, उसको उसमें देखा था। वो कैसा देख सके थे, देखे थे, हनीकॉम। हनीकॉम मतलब क्या हो जाएगा आपका, हनीकॉम क्या हो सकता है, हनीकॉम होता है ये मधुमक्खी का छत्ता जिस तरीके से बना होता है, उन्होंने उसी तरीके से उसकी संरचना देखी थी। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज यूज टिल दिस डेज इन बायोलॉजी कॉल सेल बायोलॉजी। यानी जो सेल का जो वर्ड सेल है, ये डिस्क्राइब किया जाता है सबसे ज़्यादा किसमें, सेल बायोलॉजी में। यानी कि जो बायोलॉजी आप चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वो ये किस चीज़ के अंतर्गत आता है, सेल का डिस्कशन किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, सेल बायोलॉजी के। यानी कि सेल को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किस में किया गया है, सेल बायोलॉजी में किया गया है। चौथा पॉइंट देखते हैं, द साइंटिस्ट लिवेन हॉक सा द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर ऑफ फर्स्ट टाइम। यानी कि जो लिविन हॉक थे, उन्होंने क्या किया, लिविंग बींग की सेल कहाँ देखी, एक पॉन्ड में। यानी कि उन्होंने पहले अमीबा का भी खोज किया था। जो लिविन हॉक है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि वो माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं, यानी फाउंडर हैं। ठीक, वो फाउंडर हैं और उन्होंने सेल की ही खोज की थी, यानी कि लिविंग सेल की, यानी जीवित सेल की खोज की थी। और क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की थी, डेड सेल की, यानी कि वो उन्होंने उड की थी, उड की सेल खोज की थी, जो कि प्लांट की होती है, वो प्लांट प्लांट के किए थे। और इन लिवन हॉक ने किसका किया था, लिविंग विंग का। तो आगे देखते हैं, द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने क्या किया था, सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। यानी कि उन्होंने क्या किया था, सेल में क्या खोज किया था, न्यूक्लियस का खोज उन्होंने किस में किया था, सेल में। ठीक, जो हमारा न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोशिका है, और कोशिका में अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या हो सकता है, न्यूक्लियस है। अगर मान लीजिए हम इसको विभाजित करते हैं, इसको काटेंगे, तो इधर भी न्यूक्लियस आया, इधर भी, अगर ये दोनों तरफ न्यूक्लियस आ गया, तो ये कितना सेल बन जाए, एक सेल को अगर हम दो पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं और न्यूक्लियस
दोनों में, तो ये कितना सेल बन जाएगा, टू सेल बन जाएगा, यानी कि अगर न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट है तो वो हमारा दो सेल बन जाता है। तो अब हम बात जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर किस में एक होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, युग्लिना हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं, यानी सिंगल सेल, जिसके एक ही सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, मल्टी सेलुलर क्या क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर आदमी, एनिमल्स हो गए, ये सब सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर आदमी ऑर्गेनिज्म, यानी ये बहुत सारे सेल्स से और टिश्यूज से मिलके ये बने होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम सीधी सीधी भाषा में जान सकते हैं कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, जो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या हो गया, हमारा ह्यूमन बींग होंगे और एनिमल्स हो गए, जानवर। ठीक, हमें आशा करते हैं कि आपको समझ में आए, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरीके से नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे है पार्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल के कितने भाग होते हैं। तो सेल के कितने भाग होते हैं, देयर आर मेन थ्री मेन पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि जो हमारा सेल है तीन मेन पार्ट से मिलके बना होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया द न्यूक्लियस हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया, यानी जैसे मान लीजिए हमारा ये सेल हो गया। ठीक, इसमें हम क्या पाए जाते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर इसमें न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है, ये तीन मेन पार्ट होते हैं किसके, सेल के होते हैं। चलिए देखते हैं, तो देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, पार्ट ऑफ सेल्स, यानी यहाँ देखिए ये ऊपर वाला जो होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर ये हरा हरा वाला क्या दिख रहा है, हमारा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर ये ये जो है ये थोड़ा जिग जैग लाइक उसके क्या है, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर ये हमारा क्या है, डीएनए है, यूज्ड इन डीएनए है, फिर सॉल्स है, और फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया है, यानी कि हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया किसको कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है, माइट्रोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे आपका ये मान लीजिए आपके यहाँ क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये कहाँ से आती है, पावर हाउस से, तो उसी प्रकार से सेल को पूरा कहाँ से पावर मिलता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया से, माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम पॉइंट्स में देखते हैं, द सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द सेल एंड कंट्रोल द सब्सटेंस दैट गो इनटू और आउट ऑफ द सेल, यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है जो सेल में कोई भी सब्सटेंस इंटर करे या आउट जाए, यानी कि हमारे देखते हैं सेल के थ्रू कुछ डेड सेल्स से जो है निकलती रहती है, या कोई भी क्या कहते हैं हार्मोन्स एक सिक्रेट होता है वो किसके सेल के द्वारा ही बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन उस चीज़ को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। फिर अगला पॉइंट है, द न्यूक्लियस इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल दैट कंटेन्स द न्यूक्लियोइड्स एंड मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए। ठीक, ये क्या न्यूक्लियस क्या न्यूक्लियो न्यूक्लियस इज द स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक स्ट्रक्चर सेल के अंदर ही होता है और कंटेन करता है क्या, न्यूक्लियस और डीएनए करता है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म हमारा क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो हमारे जेनेटिक, यानी कि एक दूसरे हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर क्या आता है, जीन्स आता है, यानी हमारा जो जाता है जीन्स आता है। ठीक, वो हमारा डीएनए किस में जाता है, पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक, ये किस चीज़ के थ्रू होता है, पेरेंट टू चाइल्ड में कन्वर्ट, मतलब अब आपके पिता वाला गुण आपके बच्चों में आ जा है, इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर क्या करते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर
पॉइंट देखते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूड इन साइड द सेल, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। तो इसमें क्या सेल, ये फिगर में देख सकते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक। साइटोप्लाज्म फ्लूड, और फिर द माइक्रोकांड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा माइक्रोकांड्रिया है, ये माइक्रोकांड्रिया है, ये क्या है, हमारा पावर हाउस ऑफ द, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको हम कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे सेल के अंदर होता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने कितने ट्रिलियन सेल्स से मिल के बना होता है, 30 ट्रिलियन, यानी 30 अरब सेल से मिल के बना होता है। तो आशा करते हैं आपको अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप हमको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं, पार्ट ऑफ द ऑफ ए सेल, ए सेल इज सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन विच हैज़ ए रिसेप्टर एंड ऑन द सरफेस। ए सेल हैज़ सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड इट, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। दीज आर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारा सेल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, यानी कि वो सराउंडिंग मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू वो सराउंडिंग यानी चारों तरफ से घिरा होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और उसमें क्या क्या होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इस सब चीज़ों को मिला के ही आपका सेल का निर्माण होता है। तो ऑल द स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, यानी कि सारा सब 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 चीज़ों का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये रहा कुछ जानकारी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेट सपोर्ट चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको किस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो चाहिए, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमको आप जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, आप फिर से मिलेंगे नए वीडियो में।